So today we are starting measuring instruments. एक बार बताएं, क्या आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं? क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया था? जल्दी बताएं, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया था? एनीवन? अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ चुके हैं। मीटर ब्रिज नहीं हुआ। चलो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हो चुका है तो उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऐसे कर लें। ठीक, ध्यान दो, हमें दिया गया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम, आर एंड दो पॉइंट मेंशन करे गए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए। सो फाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ, दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व कर। R by 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक बहुत सीधा सा पैटर्न बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हमें करना यह है कि ये जो दो टर्मिनल्स आपको दिए गए ना, इनको भी आप नाम दे दो, तो इनकी भी हमने नंबरिंग कर दी। अभी सर्किट जिन पॉइंट के बीच में आपको ड्रॉ करना है वो आप लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पे लिखो, ओर है, और बीच में जो दो नोड आपने बनाए हैं इनको लिखो, ये आगे बी ओ सी, एंड ओ और ए के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ये जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ओ एंड ए, इसको आप सबसे एंड में अप्लाई करो, इसको आप सबसे एंड में अप्लाई करोगे। अब एक एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पर अप्लाई करते जाए, तो बिटवीन ओ एंड बी ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको आपने अप्लाई कर दिया, ये आ गया ओ एंड बी। सेकेंड, बिटवीन बी एंड सी ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट, इसको भी हमने अप्लाई कर दिया। बिटवीन सी एंड ए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट आर, ये भी हमने अप्लाई कर दिया। नाउ बिटवीन ए एंड बी, इसको हमने कनेक्ट किया, ये भी आर वैल्यू, एंड बिटवीन ओ एंड सी, इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया, ये आर वैल्यू। क्या अब ये हमें व्हीटस्टोन की तरह दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस बाकी है, कौन सा वाला? ये ओए वाला। तो इस ओए वाले को उठाकर आप बाहर चले ऐसे, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक अपर ब्रांच और एक ये लोअर ब्रांच, तो अपर ब्रांच आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो उसका आंसर आपका बनना चाहिए आर। अपर ब्रांच का आंसर क्या आना चाहिए? अपर ब्रांच का आंसर आना चाहिए आर, क्योंकि ये बन रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, और नीचे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है विद वैल्यू आर, और आर एन आर बोथ आर इन पैरेलल, आंसर आर बाई टू। तो ये आपका आंसर है, समझ में आ गया? यानी जब भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ही कन्वर्ट होता है, आप उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पॉइंट बी, हियर पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 1 ohm, फाइंड आर ए बी।
फाइंड आर ए बी टू ओम, अगेन इस सर्किट को हम क्या करें थोड़ा सा मॉडिफाई, कैसे, जो नोट्स आपको दिख रहे हैं उनकी हमने मार्किंग करी, इसको लिखा हमने सी, इसको लिखा डी, और ये आपने ए बी और सी डी के बीच में सर्किट को रिड्रॉ कर, तो बिटवीन ए एंड सी रजिस्टेंस ये कनेक्टेड विद वैल्यू वन ओम, बिटवीन बी एंड सी ये दो रजिस्टेंस कनेक्टेड है ये दोनों, और ये दोनों सीरीज में है, बोथ आर इन सीरीज, देन वैल्यू इज टू ओम, बिटवीन ए एंड डी अगेन ये दो रजिस्टेंस कनेक्ट बिटवीन ए एंड, बोथ आर इन सीरीज, तो वन प्लस वन यहाँ पे भी हमें मिलेगा टू ओम, एंड बिटवीन डी एंड बी फोर ओम रजिस्टेंस इज कनेक्ट, ये फोर ओम, एंड बिटवीन सी एंड डी वन ओम इज कनेक्टेड, वन ओम आ गया। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में है? आप देख सकते हैं कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होना चाहिए, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस हमें यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, तो रेशियो आपको सेम मिल रहा है 1/2, 2/4, 2/4 इज ऑल्सो 1/2, ठीक है, यानी जो मिडिल आप में जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा जीरो, और आप इसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। सर्किट से रिमूव करने के बाद यहाँ पे दो ही रजिस्टेंसेज आपके पास है, एक अपर ब्रांच में 3 ओम एंड इन लोअर ब्रांच 6 ओम, बिकॉज ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, 1+2 3 हो जाएगा और 2+4 6 हो जाएगा, और ये पॉइंट आपके पास आ गए एंड। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 ओम एंड 6 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आंसर आ जाएगा 18/9 विच इज इक्वल टू 2 ओम। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो, वन टू थ्री फोर ओम एंड हियर थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, 3 ओम 6 ओम 9 ओम एंड 12 ओम, ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, और ये जो मिडिल आर्म है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विद वैल्यू 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम, पॉइंट बी एंड पॉइंट कैलकुलेट करना है आर ए, कैलकुलेट करना है आर ए, फिफ्टीन बाई टू 7.5 30/4 अच्छा 60/16 ऐसे भी लिखूं है ना, सबका आंसर सेम ही तो आ रहा है 7.5। ध्यान दो ये जो एग्जांपल आपका दिया गया है ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है भाई? एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है। क्या आप मुझे बताओ है ना, ये ऊपर नीचे देखना, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, क्या ये सब सेम रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ भाई? ये एग्जाम्पल हुआ आपका एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में भी ये जो मिडिल आर्म वाले रजिस्टेंसेज हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अपर ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 1+2+3+4, तो अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस रहेगा 10 ओम, लोअर ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? 3+6 9 9+9 18 18 एंड 12 30, तो यहां रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 30 ओम, ये पॉइंट बी, हियर पॉइंट ए, ठीक है, एंड बोथ आर इन पैरेलल, सो आर ए बी इज इक्वल टू 10 × 30 / 10+30, आंसर 300/40, ठीक, 300/40 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15/2, 30/4, बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं जो ऐसा कि आप सब दे रही, ठीक बात समझ में आई? तो ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है जहां पे आपको कंटिन्यूस रेशियो क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, ऑल आर 1/3, तो मिडिल आर्म वाले सारे रेजिस्टेंस आप हटा देंगे हमें आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, विदाउट इसमें, विदाउट, नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइव ओम, टेन ओम, टेन ओम, वन ओम, ये मिल गया। फाइंड आर ए बी, एक काम करते हैं, वन ओम हटा दो, वन ओम की जगह पर आप फाइव ओम लिखो, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के। वन ओम के प्लेस पर फाइव ओम लिखो। सेवन, सेवन तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ना, और एग्जैक्ट आंसर आपने कैलकुलेट कैसे की? वही हम यहाँ पे समझना चाहते हैं कि हम क्या करें। ये एक्चुअल में जगह, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका एग्जांपल है कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल, ठीक है। अब हमें अच्छा डेल्टा स्टार लगा दिया, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा स्टार का बेटा? 019। एक बार माइक ऑन करके बोल के बताओ डेल्टा स्टार का फॉर्मूला क्या होता है। जीरो वन नाइन गायब। यस सर, यस सर। डेल्टा स्टार का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें एक्स वाई जेड वगैरह करते नहीं, हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला बताओ। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं, एक्स इक्वल्स टू आर वन आर थ्री अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस एंड इसी तरह से वाई, फिर ठीक है ठीक है। लेकिन जब हम बोल ही नहीं पा रहे हैं तो आपने सॉल्व कैसे कर लिया इतनी जल्दी? अच्छा इधर ध्यान, इधर ध्यान दे। हम क्या करें, ये अनबैलेंस्ड है और इसको क्या मान लें? इसको मान लें हम बैलेंस्ड। इसको हम क्या मान लें? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो क्या आप इस फाइव फॉर्म को हटा देते? बिल्कुल, हम इस फाइव फॉर्म को हटा देते और अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आता भाई? 15। लोअर ब्रांच का कितना आता? 15। और आपने ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व किया, इस बात का ध्यान रखना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमने इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया और आर ए बी के बीच का अप्रोक्स आंसर हमें मिला 15/2। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आया कि हमने अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट किया, दैट इज 15/2। नाउ ये जो रेजिस्टेंस आपने हटाया है फाइव ओम का, ये सीरीज में से हटाया या पैरेलल में से हटाया? पैरेलल, वैसे तो हमें यहाँ से दिखता नहीं है ना, क्योंकि दिखता नहीं है तभी आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करते हैं। वैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ कहाँ से कनेक्टेड है? ये आपने जो रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव किया है वो आप यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये एक तरीके से पैरेलल से आपने रिमूव किया, ठीक है। और पैरेलल से अगर हम रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हैं, अगर ये लगा होता तो हमारा आंसर 7.5 से कम आना चाहिए। हमारा आंसर जो आता है वो 7.5 से कम आना चाहिए था। तो यहाँ पे लॉजिक ये बनता है कि आप इसको क्या कर लें कि बैलेंस मान के सॉल्व कर लें, और बैलेंस मान के जो भी आपको आंसर मिल रहा है अप्रोक्स आंसर, वो आपके एग्जैक्ट आंसर से ग्रेटर वैल्यू का आएगा। कैपेसिटर में भी आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर में जो अप्रोक्स वैल्यू आती है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से कम होती है। बिकॉज कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है कि सीरीज में हम सॉल्व करते हैं R1+R2, पैरेलल में सॉल्व करते हैं R1+R2/R1+R2, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है कि सीरीज में सॉल्व करते हैं हम C1+C2/C1+C2 और पैरेलल में आप कैलकुलेट करते हैं C1+C2 से, तो दोनों के जो इफेक्ट आते हैं वो रिवर्स आते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी आपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया है वो आंसर आपके एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मानो अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमें 6.5, 7/3, 7.5 और 4/8, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इसका? हमारा आंसर इसका आना चाहिए 7। क्या आना चाहिए?
सेवन, यानी जो भी आपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया है उससे जस्ट छोटा वाला आंसर, जस्ट छोटा वाला आंसर, 6.5 भी छोटा ही, लेकिन हमें कौन सा कंसिडर करना है, जस्ट छोटा आंसर हमें कंसिडर करना है, तो आंसर आता है इसका सेवन। इसको आप बिल्कुल मेथड से कैलकुलेट करते हैं केवीएल केसीएल अप्लाई करके, तो इसका आंसर आता है सेवन, इसका एग्जैक्ट आंसर ही सेवन होगा। ठीक है, किससे होता है सॉल्व, किससे होता है सॉल्व, केवीएल केसीएल अप्लाई करते, यानी केवीएल का इक्वेशन बनता है तीन लूप में, उसको आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमें आंसर मिलता है सेवन। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लें, और जो अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा वो एग्जैक्ट से थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन होगा, तो जो भी आपका अप्रोक्स आंसर आ रहा है उससे जस्ट छोटा आंसर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये भी एक बहुत कॉमन फॉर्मेट है। यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, आपने एक स्विच लगा दी, यहां पर आपने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4 ओम, 4 ओम, बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, एक सेकेंड, थोड़ी सी कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम, ओके, आंसर अप्रोक्स क्यों देंगे, आंसर तो एग्जैक्ट देंगे ना, आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछा, अप्रोक्स आंसर पूछा, आंसर कैसा पूछा, अप्रोक्स या एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट ही देंगे, अप्रोक्स तो आपने एक शॉर्ट मेथड ले लिया सॉल्व करने के, हमने एक शॉर्ट मेथड कंसीडर कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कहां आ रहा है आंसर भाई, 7.5 तो रॉन्ग है ना, 7.5 तो रॉन्ग आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो 7 है, तो हमारा आंसर तो 7 आना चाहिए, और हमें ये बोला गया कि कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट आप करोगे तो आपको तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, उसने थोड़ी बोला, एग्जामिनर ने आपको नहीं बोला कि आप कोई शॉर्ट मेथड यूज करके सॉल्व करो, एग्जामिनर ने तो बोला कि आप केवीएल केसीएल से सॉल्व, तो केवीएल केसीएल से सॉल्व करने पर आंसर आता है 7, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमने मेथड क्या ले लिया, अप्रोक्सीमेशन मेथड ले लिया, कि आपने इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मान के कैलकुलेट कर लिया, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा उससे जस्ट स्मॉलर आंसर वो आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 15/2 यानी 7.5, तो 7.5 से जस्ट स्मॉलर आंसर आप कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपको सर्किट दिया गया, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है लेट से 12 वोल्ट की, रजिस्टेंस है 4 ओम, और यहाँ रजिस्टेंस आपके पास है 2 ओम एंड 4 ओम। आपसे पूछा गया फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन स्विच इज ऑन, जैसे आप स्विच को कनेक्ट करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपको बताना है कि वो ए से बी की तरफ फ्लो करना चाहिए या बी से ए की तरफ फ्लो करना चाहिए, ऐसे बी, वो तो भी चेक करते हैं, ऐसे बी, चलो सबके आंसर ऐसे बी आ रहे, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बात बताएं, ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट तक आते आते 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना, जब तक हमने स्विच को ऑफ रखा है उस कंडीशन में हम बात करते हैं, तो 4 ओम 4 ओम, ये जो लोअर ब्रांच है इन दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा ना, 4 ओम 4 ओम के दो रेजिस्टेंसेज हैं, 12 वोल्ट टोटल पोटेंशियल, तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऊपर बात करता हूं, तो ऊपर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है 6, करंट कितना फ्लो करेगा अपर ब्रांच में, करंट कितना फ्लो करेगा सोल्व करना हो तो 12/6 2 एम्पियर, करंट पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल 12, रेजिस्टेंस 6, करंट कितना फ्लो किया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर फ्लो किया तो 2 ओम पे पोटेंशियल कितना मिला भाई, 2 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप रहा 4 वोल्ट का, और रिमेनिंग किधर चला जाना चाहिए, रिमेनिंग चला जाना चाहिए 4 ओम पर, जिसका वैल्यू रहेगा 8 वोल्ट। ठीक, नाउ अब बात समझ, बात यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल था आपके पास 12, स्टार्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था 12 वोल्ट, 12 में से इस 2 ओम ने 4 कंज्यूम कर लिया, रिमेनिंग कितना रहा
8 वोल्ट, और इस 8 वोल्ट को पूरा इस 4 ओम ने कंज्यूम किया, फाइनल हम कहां पहुंच गए, 0 वोल्ट पे। सिमिलरली लोअर ब्रांच से देखो, 12 वोल्ट से स्टार्ट हुए, 6 वोल्ट कंप्लीट किया, कंज्यूम किया किसने, 4 ओम ने, रिमेनिंग 6 वोल्ट आपको कहां मिला, पॉइंट बी पर, और फिर 6 वोल्ट कंज्यूम किया 4 ओम ने और फाइनल बना 0। जब आप ए और बी को कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पर है और बी पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पर है। तो जैसे ही हम स्विच को कनेक्ट करेंगे, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट आपका फ्लो करेगा, आई विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, है ना। और ये आई यहाँ पे आई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंस आपको दिया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस देख ले, पोटेंशियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दें, आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है किस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। मीटर ब्रिज देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका सर्किट हम लेस रेजिस्टेंस वाला पार्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस से देख लें। अब लेस रेजिस्टेंस वाला तो कैसे डिसाइड करोगे, बाद वाले रेजिस्टेंस कितने लगे, अच्छा 4 और 6 लगा हुआ इसलिए आप बोल रहे। देखो करंट तो लेस रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा ऐसा नहीं बोल सकते, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ज्यादा करंट उस पाथ से जाती है जहां पर, ज्यादा करंट उस पाथ पे जाती है जहां पर, जहां पर, जहां पर क्या ज्यादा होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, है ना। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू में चेंज करूं, अब यहां पहले 4 लिखते इधर 2 लिखते तो क्या होता, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताना है मुझे, एक बार डाउट तो बताओ कि डाउट क्या है। इन दोनों को अलग अलग मान लो, इन दोनों को अलग अलग मान लो, ये रहा 2 ये रहा 4, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिलेगा, 4 वोल्ट, यहाँ कितना मिलेगा, 8 वोल्ट। नीचे तो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 4 ओम 4 ओम के, है ना, ठीक। अब अगेन 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है तो इस बार पोटेंशियल कितना मिलेगा, 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो स्टार्ट हुआ था आपका 12 वोल्ट से, खत्म होना है 0 वोल्ट पे। अब 12 वोल्ट में से 4 इसने कंज्यूम कर लिया तो यहां पर कितना बचा, 8 वोल्ट। 12 में से 6 यहां कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग कितना रहा, 6। जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करना चाहिए, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल आप पोटेंशियल डिवाइस डिवीजन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रिप्स बनाई है कॉपर की स्ट्रिप्स है, इसकी स्ट्रिप्स है कॉपर की, और जो कॉपर स्ट्रिप्स है ये जो स्ट्रिप्स आप कंसिडर करें थिक स्ट्रिप्स है, थिक, नाउ फर्स्ट पॉइंट हम यूज करते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है पहली बात तो बहुत कम होती है ना, 10^-4-5 में जाता है तो आप उसको नियरली इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, -4 और 10^-5 की टर्म में होती है। सेकेंड थिक अगर आपने लिया है तो आपने एरिया को क्या कर दिया भाई, लार्ज कर दिया, ऐसा करने से रजिस्टिविटी भी कम एरिया भी ग्रेटर, तो जो कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस आपको मिलता है वो नियरली इक्वल टू 0 ही मिल जाता है। तो पहली बात ये जो स्ट्रिप्स आपने लगाई है इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब यहाँ पर आपके पास दो गैप होते हैं, एक होता है लेफ्ट गैप, सेकंड वन इज राइट गैप। तो लेफ्ट गैप और राइट गैप में आप क्या करते हैं भाई, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इस रेजिस्टेंस को आपने नाम दिया पी, या हमने नाम दिया इसको क्यू, ये आपके रेजिस्टेंसेज है, ये अननोन भी हो सकते हैं नॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां से यहां तक कनेक्ट किया एक वायर, ये आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं क्या, ये वायर किस तरीके का होना चाहिए, ये जो आप वायर यूज कर रहे हैं ये वायर होना चाहिए एलोय का, एलोय का कौन कौन सा एलोय, एक ऐसा मटेरियल,
एक ऐसा मटेरियल जिसका अल्फा क्या आना चाहिए, नियरली इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अल्फा जीरो होने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो आना चाहिए, यानी टेम्परेचर वेरी करने से टेम्परेचर इंक्रीज करो या टेम्परेचर डिक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से वायर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एलोय का बना होता है। अब एलोय कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, एलोय आप यूज कर सकते हैं कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका, यानी ऐसे सभी मटेरियल जिनका अल्फा जीरो है, यानी टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेंथ हम कितनी कंसीडर करते हैं, लेंथ हम कंसीडर करते हैं 1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म होना चाहिए, रेजिस्टिविटी आपको पता ही होगा, कोई गिविन होगा तो गिविन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट मिल जाएगी, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी आपका कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, और वायर का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रो एल बाई। ये इस वायर के लिए डिटेल हुआ, है ना। लेंथ हम कंसीडर करते हैं 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की टर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो पोटेंशियल से कंपेयर करना चाहते हैं, ध्यान से देखें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस सर्किट में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इस वायर पे इस सर्किट के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर, जीरो नहीं लिखी है भाई, हमने लिखी है यहाँ पे देखो इधर रेजिस्टिविटी है, पहली बार डेंसिटी नहीं, पहली बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में रो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने लिखा है इसको 10^-4, 10^-3, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये आपको सर्किट में कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर। हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड पॉइंट है वो आप इस वायर के ऊपर रखते हैं, जिस जगह आपको रीडिंग जीरो मिल जाएगा, जिस जगह में रीडिंग जीरो मिल जाएगा वही आपका बैलेंसिंग लेंथ बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि बैलेंसिंग लेंथ हमेशा लेफ्ट पॉइंट से कैलकुलेट की जाती है। मेन पॉइंट को की नेमिंग कर देता हूं ताकि हमें समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। इस पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट किया पॉइंट ए, यहां आपके पास है पॉइंट बी, गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट सी पर कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर का लास्ट पॉइंट डी पे कनेक्ट है। तो मान लो इस डी पॉइंट पर आके हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो मिला। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में फ्लोइंग करंट जीरो, यानी गैल्वेनोमीटर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं सी ओ डी, वहां पे पोटेंशियल सेम आ गया। सी ओ डी पर अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आते ही ये आपका जो बेस्ड हो गया वो किस पर, व्हीटस्टोन पर बेस्ड हो गया, यानी जो मीटर ब्रिज की वर्किंग होती है, वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, अब आपको यहाँ पे चार रेजिस्टेंस मिलने लगे, देखो एक तो पी, एक क्यू, एक बिटवीन ए एंड डी बनेगा, जो आपने लेंथ कंसीडर किया, हमने इस लेंथ को कंसीडर किया एल, और एल को आप बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। एल को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एल रिप्रेजेंट होता है बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। और बैलेंसिंग लेंथ हमेशा किधर से दिया जाता है, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट साइड से आप कैलकुलेट करते हैं वो बैलेंसिंग लेंथ होता है। तो डी पॉइंट पर आके बैलेंस हो गया, बैलेंस होने का मतलब है कि यहाँ पे करंट जीरो हो गया, तो जो सेकंड लेंथ मिलेगी वो आपको 100-L मिल जाएगी, सेंटीमीटर में अगर हम बात करें 100-L मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या एडी रेजिस्टेंस बता सकते हैं, रेजिस्टेंस एडी का वैल्यू रहेगा रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस डीबी का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा रो 100-L बाय ए, और ए यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हो गया कि दो रेजिस्टेंस ऊपर लगे, दो रेजिस्टेंस नीचे लगे, बीच में गैल्वेनोमीटर है, बात समझ रहे हैं, बीच में क्या आ गया भाई, गैल्वेनोमीटर आ गया। तो यहाँ पे वर्किंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए कि अगर आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो पी बाई क्यू का वैल्यू आर बाई एस के इक्वल आना चाहिए। अब आर बाई एस के प्लेस पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर बाई एस के प्लेस पर यहाँ पे लिखा है आर ई डी और आर डी बी, ध्यान दे। फोर, बैलेंस कंडीशन ध्यान दें कि पी बाय रेजिस्टेंस
कितना लिखा आपने, रो एल बाय ए का वैल्यू क्यू बाय रो 100 माइनस एल अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये आना चाहिए। तो यहां से रो बाय ये हो जाएगा कैंसिल आउट और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा भाई, पी बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 100 माइनस एल, पी बाय एल एंड क्यू बाय 100 माइनस एल। और इसी लॉजिक को हम यूज करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड पर देखो यहाँ पे आपके पास दो गैप, फर्स्ट गैप इसको आपने रिप्रेजेंट किया लेफ्ट गैप, सेकंड इसको आपने रिप्रेजेंट किया राइट गैप। एक साथ सारे नाम नहीं बताता अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम एक एक करके नाम लिखकर पढ़ते हैं। तो लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस लगा है वो है पी और लेफ्ट गैप साइड में जो लेंथ आ रहा है दैट इज एल, राइट गैप में जो रेजिस्टेंस लगा है दैट इज क्यू और जो लेंथ मिल रहा है वो 100 माइनस एल। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेफ्ट गैप के रेजिस्टेंस और लेंथ का रेशियो राइट गैप के रेजिस्टेंस और लेंथ के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप वर्क करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें मिलते हैं। अगर आपको ये बोला गया कि अगर हम दोनों गैप के रेजिस्टेंस को रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा बताएं। अगर आप दोनों गैप के रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी। बिकॉज अगर आप पी के प्लेस पर क्यू लिखोगे तो 100 माइनस एल अब आपका पहले आने लगेगा क्योंकि रेशियो सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है, इफ रेजिस्टेंसेस ऑफ बोथ द गैप्स आर इंटरचेंज देन बैलेंसिंग लेंथ विल ऑल्सो गेट इंटरचेंज, ठीक है। अगर हमें लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो लेंथ आप कितना कंसिडर करोगे, लेंथ आप यहां पर 100 मीटर ही कंसिडर करें, ठीक है। क्वेश्चन पर आए, ठीक, यहां तक नोट हो गया, जल्दी नाउ क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखें, लिखें इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कुछ भी कंसीडर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर मीटर में दिया हो तो मीटर में लिख देना, सेंटीमीटर में जाओ सेंटीमीटर में लिख देना, रेशो तो सेम ही आएगा, हम तो रेशो देख रहे हैं ना, रेशो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 मीटर बोल दिया, कोई बात नहीं, 100 सेंटीमीटर समझ, 100 मीटर का वायर कैसे यूज करोगे, ध्यान दो। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट R is equal to 5 ओम इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप एंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज कनेक्टेड इन राइट गैप, बैलेंसिंग लेंथ इन दिस कंडीशन balancing length in this condition is फिफ्टी सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट इफ एक्स इज शंटेड बाय, ये पूछा ही नहीं भाई, इफ एक्स इज शंटेड बाय एक्स इन राइट गैप देन फाइंड न्यू बैलेंसिंग लेंथ
then find new balancing length. And second point, a resistance Y is connected in series with X in right gap. And balancing length is shifted by 20 centimeter, then find Y. अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि यहां जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो लेंथ के डायरेक्टली रेशियो में मिलता है, यानी R is proportional to F. ये आपको समझ में भी आ रहा है कि हम रेजिस्टेंस और लेंथ का रेशियो देख रहे हैं, यानी अगर रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा तो लेंथ ग्रेटर आनी चाहिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम होगा तो लेंथ भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ भी कम आनी चाहिए. और बैलेंसिंग लेंथ हमेशा हम स्टार्टिंग पॉइंट यानी लेग पॉइंट से कंसीडर करते हैं. नाउ अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, है ना, एक मिनट का टाइम है आपके पास, एक मिनट का टाइम, एक मिनट में सब सॉल्व करो फटाफट. क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं बहुत सिंपल सा पैटर्न बताऊं कि मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर. सबसे पहले आप लिखो लेफ्ट गैप, देन लिखो राइट गैप. अब लेफ्ट गैप में आपको क्या दिया गया, लेफ्ट गैप में हमें दिया गया कि 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड, राइट गैप में एक्स कनेक्टेड, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 50 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियस बात है कि राइट गैप का जो बैलेंसिंग लेंथ रहेगा, मतलब जो रिमेनिंग लेंथ रहेगा वो भी आपको 50 मिलेगा, उसको आप टोटल माइनस बैलेंसिंग लेंथ से करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, तो सबसे पहले आपने x का वैल्यू कैलकुलेट किया, यानी 5 बाई 50 इज इक्वल टू x बाई 50. सो x आंसर आपको मिला 5 ओम, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस आपने राइट गैप में कनेक्ट किया है उसका वैल्यू 5 ओम. लेकिन ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट आपसे बोला कि अगर x को x के साथ ही शंट कर दें तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, यानी राइट गैप में जो एक्स आपने लगाया था उसके पैरेलल में एक और एक्स अप्लाई कर तो होगा क्या. देखो अब फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट गैप ये राइट गैप, तो लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस था 5. अब राइट गैप में कितना आ गया, एक्स के साथ एक्स को पैरेलल करना है, मतलब 5 बाई 5 पैरेलल विद 5, तो आंसर आपको मिलेगा 5/2. अब बैलेंसिंग लेंथ हम कितना कंसिडर करें, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो एल, तो सेकेंड कितना बन जाएगा भाई 100 - L. आप चाहते हैं तो रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एफ, रेजिस्टेंस का रेशियो हमें दिख रहा है 2/1, तो लेंथ का रेशियो भी 2/1 आना चाहिए, मतलब 100 में से 2 पार्ट 66.6 बैलेंसिंग लेंथ बन जाएगा, और सेकंड वाले के पास 100 - L मतलब 33.3 आ जाएगा. फॉर्मेट से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 5/L का वैल्यू 5/2/100 - L के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, 5/5 कैंसिल आउट, इक्वेशन को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3L is equal to 200. पैरेलल क्यों लेंगे भाई, शंट का मतलब क्या होता है, शंट का मतलब क्या होता है बताओ, अब पूछ रहे हैं तो बताया भी करो, शंट का मतलब क्या होता है, शंटिंग, शंटिंग किसको बोलते हैं, कनेक्शन इन पैरेलल इज नोन एज शंटिंग, कनेक्शन इन पैरेलल इज नोन एज शंटिंग. ये रेजिस्टेंस का टाइप नहीं है, ये एक टर्म है, शंट करना, शंट करने का मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना. ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करना नहीं होता, पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, इसको आप शंटिंग बोलते हैं. अब पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है वो अलग बात, लेकिन रेजिस्टेंस को कम करने को शंटिंग थोड़ी बोलते हैं, नहीं कम करना नहीं हुआ, कोई भी एलिमेंट आपको दिया है उसके एलिमेंट में, उसके पैरेलल में कुछ अदर एलिमेंट को कनेक्ट करना, दिस इज नोन एज शंटिंग. अब रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सुनो ध्यान से, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए आप ये बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस कम कर रहे हो, लेकिन रेजिस्टेंस हम कम नहीं कर रहे हैं. बात इसको समझो
जो टर्म आपको दिया है शंटिंग, शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्शन, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो भी इफेक्ट आएगा वो आप देख लो। सेकंड देखो क्या दिया है, रेजिस्टेंस वाई इज कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस वाई इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्स इन राइट गैप, देन बैलेंसिंग लेंथ इज शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर। ध्यान दो, हमें बोला गया कि लेफ्ट गैप राइट गैप, तो लेफ्ट गैप वाले रेजिस्टेंस में तो आपने कोई चेंज नहीं किया, ये 5 ओम था। राइट गैप वाले में क्या किया कि एक्स के साथ आपने वाई को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा बोल दो कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना, ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट करने को बोला है तो आप यही बोलोगे ना कि एक रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया, इसको आप बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू तो आपको पता था कितना 5, और वाई का वैल्यू कितना ये अननोन, ये आपको कैलकुलेट करना है। और क्या बोला गया, बोला ये गया कि इफेक्टिव लेंथ आपका शिफ्ट हो गया 20 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ कि बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सबसे पहला पॉइंट ये, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस कम हो गया, राइट साइड में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, लेफ्ट साइड में 5, राइट साइड में 5+5, तो अकॉर्डिंगली जो लेंथ आएगा वो भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेंथ रहेगी L1 और सेकेंड साइड लेंथ कितनी आ गई L2, है ना। क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इक्वेशन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं मेरे मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ और आता हो या कोई और इक्वेशन बन रही हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ कितना शिफ्ट हुआ, 20 सेंटीमीटर। पहले वाले केस में देखो लेंथ कितना था दोनों का, 50-50, कितना था भाई 50-50। तो अगर ये लेंथ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही होगी, 20 शिफ्ट हो गया तो 20 किधर शिफ्ट हुआ, बड़ा तो नहीं होगा, कमी हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हुआ है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि लेंथ भी डिक्रीज होनी चाहिए। यहां पर आपको अब लेंथ कितना मिलने लगेगा, 20 माइनस कर दो तो L1 का वैल्यू रहा आपके पास 30 सेंटीमीटर, और सेकंड केस में ये बढ़ जाना चाहिए, तो 50+20 यहाँ पर मिलेगा आपको 70 सेंटीमीटर। क्या बात समझे, अगेन बैलेंसिंग कंडीशन है तो आना चाहिए आपका आंसर 5/30 इज इक्वल टू 5+y/70, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 0 कैंसिल आउट, तो 7 × 5 = 35 इज इक्वल टू 5 × 3 = 15+3y, सो वैल्यू ऑफ y 20/3 ओम, ये आपको क्लियर है भाई, पॉइंट में कोई डाउट। रेजिस्टेंस इंटरचेंज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ इंटरचेंज हो जानी चाहिए, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज हो जानी चाहिए। देखो पहले वाले केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ राइट गैप का, तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे लेंथ भी बढ़ गई। अब आंसर क्या मिला, 50 मिल रहा था पहले, 50 की जगह पर मिलने लगा आप 66.6। सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ भी कम हो गई, अब आंसर कितना मिल रहा है 30 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट टू ओम इज कनेक्टेड इन राइट गैप एंड एक्स ओम इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। कंसीडर हमें करना है वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है। नाउ ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस, बैलेंसिंग लेंथ इज शिफ्टेड बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड एक्स।
बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, ध्यान से पढ़ो, पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा, पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा। क्या आंसर आया? 14/13, 17/15, 26/7, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सिक्सटी फाइव आ गया, एक तो 2 ओम है, एक 65 है। ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है वर्क कर। ये लेफ्ट गैप और ये राइट गैप, लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस X, राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस 2, कौन ग्रेटर है? X ग्रेटर है, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ उसी के लिए ज्यादा आना चाहिए? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, देखो L1 और L2, अभी हमने लेंथ के बारे में और कोई कमेंट नहीं किया, हमने ये मान लिया कि लेफ्ट गैप में जो लेंथ आ रही है वो L1 और राइट गैप में जो लेंथ आ रही है वो L2, यानी बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर L1 है। अब आप इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा? जैसे ही आपने इनको इंटरचेंज किया, अब लेफ्ट गैप में आपने लगा दिया 2 ओम और राइट गैप में आपने लगा दिया एक्स ओम, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज हो जानी चाहिए? अब आपको मिलने लगेगा L2 और L1, क्या ये बात समझे? इसमें कोई डाउट? रेजिस्टेंस इंटरचेंज करने पे बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज हो जाती है, सबसे पहला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया? हमें ये दिया गया कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना शिफ्ट हुआ भाई? 30 शिफ्ट हुआ। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? लेफ्ट साइड वाली जो लेंथ होती है वो बैलेंसिंग लेंथ, यानी L1 आपका, मुझे यहां से पता लग रहा है कि L1 इज ग्रेटर देन L2। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ मुझे कितना मिल रहा था? फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ आ रहा था L1, जब आपने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, अब बैलेंसिंग लेंथ मुझे कितना मिल रहा है भाई? L2 मिल रहा है। तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, L1 या L2? दोनों में से ग्रेटर है 26/7, दोनों में से ग्रेटर कौन है, L1 या L2? L1, तो अगर L1 ग्रेटर है तो ऑब्वियस बात है ना कि L1 माइनस L2 आपका 30 सेंटीमीटर होगा। कितना शिफ्ट हो गया? पीछे गया। कितना पीछे गया? 30 सेंटीमीटर पीछे चला गया, बिकॉज लेफ्ट गैप में रजिस्टेंस आपने कम कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ भी कम हो जाना चाहिए। कितना लेंथ कम हुआ? 30 सेंटीमीटर। तो क्या ये इक्वेशन बनी? इसमें बताओ, इस इक्वेशन में कोई रहो, L1 माइनस L2 30 आना चाहिए, और टोटल लेंथ कितनी होती है भाई? 100। तो दोनों का सम करोगे तो 2L1 कितना मिला? 130। तो L1 कितना मिला भाई? L1 आ रहा आपका 65 सेंटीमीटर। तो हमें पहली बात लेंथ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस यानी एक्स का वैल्यू। तो किसी भी रिलेशन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर L1 का वैल्यू आपका 65 है तो L2 कितना बनेगा? L2 रहेगा 35 सेंटीमीटर। अब रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि x/65 इज इक्वल टू 2/35। कोई दिक्कत तो नहीं? तो x यहां से हमने कैलकुलेट किया, 65 35 अगर आप कैंसिल आउट करें तो यहां पे रिजल्ट आएगा 7/13/2, यानी 26/7 ओम इज द रेजिस्टेंस which is connected in right gap। अरे ओम में आएगा रेजिस्टेंस, सेंटीमीटर में कैसे आएगा? सजल, ओम में आएगा, ओम।
बात समझ में आएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका होगा जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते, है ना। कैसे करें ध्यान दो, शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्टिंग पे ध्यान दो। टोटल लेंथ कितना होता है अभी 100, टोटल लेंथ कितना होता है 100। अगर आपको बोला कि शिफ्ट हुआ 30, तो जो मिडिल पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट आपको मिलता है 50 पर। मिडिल पॉइंट कहाँ मिलता है भाई, 50 पर। देखो अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो मेथड है मेथड अप्लाई करो उससे सॉल्व करो, समझ में आ जाता है अच्छी बात है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको बोला शिफ्ट बाय 20, शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह है कि 50 से 10 पहले और 50 से 10 बाद, यानी इधर बनेगा आपका 40 और इधर बन जाएगा 60, 10-10 का गैप, 10 पहले 10 बाद में, 50 से 10 पहले 10 बाद में। शिफ्ट बाय 30 सेंटीमीटर क्या लिखना चाहिए, 15-15 का डिफरेंस कर दो, 35-65। शिफ्ट बाय 40 सेंटीमीटर, 30-70, यानी इन दोनों का जो लेंथ, लेंथ का जो सम है वो तो आना चाहिए 100। लेंथ का सम क्या आना चाहिए भाई, 100 आना चाहिए, और डिफरेंस वो आना चाहिए जो दिया गया है शिफ्टिंग। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के सीधे सीधे सोल्व भी कर सकते हो कि शिफ्ट बाय लिखा हुआ है, मानो किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है शिफ्ट बाय 50 सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट बाय 50 सेंटीमीटर। तो सीधे आप स्टार्ट करो, L1 - L2 = 50 और L1 + L2 = 100, सोल्व कर लोगे तो 2L1 = 150, L1 आ गया 75, L2 आ गया आपका 25, तो जो लेंथ का रेशियो है 3/1 वही आपका रेजिस्टेंस रेशियो आना चाहिए 3/1। क्लियर हुआ पॉइंट, तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते, लॉजिक है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत ना, ध्यान दो। नेक्स्ट इज एंड एरर। बाय चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे तो चांसेस कम होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर हमें आना चाहिए। देखो एंड एरर का मतलब क्या है, ये जो सर्किट आपने बनाया मीटर ब्रिज का, जो सर्किट आपने बनाया मीटर ब्रिज का सर्किट आपने कुछ इस तरीके से बनाया कि यहाँ पर आपने कॉपर स्ट्रिप लिया एंड वायर को इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो जो वायर आपने कनेक्ट किया वो क्या डायरेक्ट यहाँ पे आके सोल्डर कर दिया क्या, या इसको किसी स्क्रू पे कसा होगा। अगर आप लैब में देखते हैं तो लैब में इक्विपमेंट इस तरीके से होते हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, अगर कभी खराब हो जाए तो रिप्लेस कर सकते। तो यहाँ पर आपने जो यूज किया है वो स्क्रू का यूज किया है, यानी यहाँ पर आपने एक स्क्रू लिया होगा, तो स्क्रू के ऊपर पहले थोड़ा सा वायर को लपेटा होगा, उसके बाद स्क्रू को टाइट कर दिया होगा। सिमिलरली सेकंड साइड में भी आपने ऐसे किया, यहाँ पर एक स्क्रू लिया, स्क्रू के ऊपर वायर को लपेटा और स्क्रू को फिर टाइट कर दिया। तो ऐसा करने से जो वायर का लेंथ रहा टोटल वो 100 सेंटीमीटर नहीं रहा, 100 सेंटीमीटर से स्लाइटली ग्रेटर हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए ना। अगर आप इसको सोल्डर करते तो ये पूरा 100 सेंटीमीटर पे सोल्डर हो जाता, लेकिन अगर आपने इसको घुमा के स्क्रू किया है तो कुछ लेंथ इधर मिलेगी लेफ्ट गैप पर, कुछ लेंथ मिलेगी राइट गैप पर। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ, इस एक्स्ट्रा लेंथ को मैंने कंसीडर किया E1 एंड E2, ठीक है। फिर आपने कोई यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दी, बैटरी अप्लाई करने पे मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिल गया, गैल्वेनोमीटर मेरा बैलेंस हो गया, मान लो यहाँ पे बैलेंस हो गया, कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, L पर बैलेंस। तो जो रिमेनिंग लेंथ है वो कितनी बचेगी, 100 - L, इसमें कोई डाउट तो नहीं। जब तक हमें एंड एरर नहीं दिया जाता, जब तक हमें एंड एरर नहीं दिया जाता, आप क्वेश्चन को सिमिलर उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है और जो लेंथ का रेशियो है वो राइट गैप के रेजिस्टेंस और लेंथ के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, इसमें कोई डाउट। लेकिन अगर आपको एंड एरर दिया जाएगा तो ये जो E1 है वो इस L के साथ एड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिला, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, तो वायर का जो टोटल लेंथ है वो आप कितना कंसीडर करोगे, वो आप कंसीडर करोगे अब L + E1 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना कंसीडर होगा, 100 - L + E2, ये कंसीडर होगा। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर एंड एरर दिया जाएगा तो एंड का एरर भी आप लेंथ में ऐड कर देना, लेफ्ट गैप वाला लेफ्ट में, राइट गैप वाला राइट में, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना, हम डेटाबेस पे बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो वैल्यू आपका 5 ओम है, क्यू हमें कैलकुलेट करना है, ई हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर E1, और E2 हमें दिया गया है लेट से 3 सेंटीमीटर, L यानी जो बैलेंसिंग लेंथ है
वो आपको दी गई है लेट से 43 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करना है क्यू, फाइंड करना है क्यू। तो मैं आपको इक्वेशन बना के बता देता हूँ, चलो आप सॉल्व करो। फाइंड करना है क्यू, आप सॉल्व करो। ट्वेंटी बाई थ्री आ रहा है, चलो और बताएं। सबका 20/3 आ रहा है, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दो क्या लिखे। 5/43 + 2 इज इक्वल टू क्यू बाय 100 - 43, 57 + 3। तो क्यू इज इक्वल टू 5 × 60/45 हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।